यही उत्तर पश्चिम की गांव रफीआबाद है। श्रीनगर से तकरीबन 55 किलोमीटर इस खतरनाक इलाके में वाका है। ये बहुत ही खतरनाक और विशाल जगह। हमें आज उस पश्चिमी दिशा की ओर जाना है। हमें पता करना है खतरनाक रेप्टाइल्स और खतरनाक मैमल्स के बारे में। हिमालयन फ्रॉग कहाँ छुप? ये देखे, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक और विशाल विशाल मादा है। इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे आगे जाना होगा उस दिशा की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मुझे ये महानदी पार करनी होगी। चलो मुंह मैं ये जेब में रखता हूँ, मैं ये जेब में रखूँगा क्योंकि फिर मुझे रात को भूख लगेगी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों, ये मेरे लिए सबसे खतरनाक और विशाल चुनौती है क्योंकि इस महानदी में मगरमच्छ और बिच्छू हैं। दोस्तों सबसे पहले मुझे ये पुल पार करना होगा। ये पश्चिमी ओर की तरफ जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे नीचे मगरमच्छ और एलिगेटर्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय तक। अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो आज मैं इनका शिकार हो जाऊंगा। इस वक्त मेरी हार्ट बीट 180 तक पहुंची है दोस्तों। अगर ज़रा सी गलती हुई तो आज हमारा काम ख़त्म। मुझे लगता है मुझे अपनी स्लीपर यहीं पे रखनी होगी क्योंकि फिसलन ज़्यादा हैं। दोस्तों मुझे सबसे पहले ये पुल पार करना होगा। इसमें नीचे मगरमच्छ और एलिगेटर्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ज़रा सी गलती हुई तो आज मेरा काम तमाम। 180 तक मेरी हार्ट भी चल गई है, पसीना आ गया है, इसलिए थोड़ा सी वाइब्रेशन हो रही है। कैमरा मैन थोड़ा आगे। मेरा सफर खत्म हुआ है, अब मैं पहले नीचे उतरूंगा। गाड़ियों में सांप और बिच्छू होते हैं, मुझे उस दिशा की तरफ यानी पश्चिमी ओर जाना है। ये देखिए हड्डी, ये वाकई ही खतरनाक और विशाल। मुझे लगता है ये तकरीबन एक 200 साल की हड्डी होगी। दोस्तों मुझे सबसे पहले कुछ चाहिए, मुझे काफ़ी भूख लगी है, मैं आगे जाके पता करूंगा। ये आप देखो दोस्तों, ये देखो, ये टच मी नॉट प्लांट है, हिमालयन टच मी नॉट प्लांट, ये छूने नहीं देता है। देखो ये फट जाता है, टच करने से ये उठ जाता है। अरे वो देखिए कोयल, कोयल, मुझे कोयल की आवाज आ रही है। लगता है उसका घोंसला वहाँ पे होगा, यही उसका घोंसला उस पेड़ पे होगा। डेविड क्या आपने देखा, ये बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन इसकी तादाद इस पृथ्वी पे बहुत कम है। चलो आगे दोस्तों,
मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मेरे पैर में दर्द भी हुआ है इन कांटों से, इन जाड़ियों से। देखो मेरी क्या हालत हुई है, ये देखो खून कितना आ गया है। आप क्या आप देख पा रहे हैं ना, देखो गांव कितना गहरा है। अब मुझे कुछ करना होगा मरहम पट्टी के लिए। चलो मुझे एक जड़ी यहाँ पे ढूंढनी होगी। यहाँ पे एक मेडिसिन प्लांट्स भी होते हैं, मुझे सेलेनियम सेटिवा की ज़रूरत है। ये देखिए इसको ऐसे करते हैं, तीन पत्ते ऐसे लो हाथ में, और मुझे धागा चाहिए, मेरे पास धागा कुछ। ये देखो ऐसे मैं इसे धागा तैयार करूँगा, ऐसे इसको ऐसे तीन चार बार घुमा के ये हार्ड हो जाएगा। उसके बाद इन पत्ती को सेलेनियम सेटिवा, क्योंकि इससे मेरा इन्फेक्शन कम हो जाएगा। ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। इसको ऐसे लगाएंगे, दो पत्ते ऐसे और ऐसे, और तीसरा वाला ऐसे, रस्सी लो ऐसे ऊपर घुमाओ, जब तक खून रुक जाए तब तक ध्यान रहे ये ऐसे ही बांधा होना चाहिए, मतलब बंद रहना चाहिए तब तक। चलो अब मुझे आगे जाना होगा खाने के लिए। ओ देखिए डैम, ओ मशरूम, वाओ क्या मशरूम है। मुझे काफ़ी भूख लगी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। चलो